Jittering, hot pepperoni, macaroni, sitting out with the homies. Zoro FF, ये बंदा क्या ही वीडियोस एडिट करता है। इसकी गेमिंग शॉट्स की क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके तरीके आप गेमिंग शॉट्स कैसे एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस तरीके की गेमिंग शॉट्स एडिट करना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना स्टेप बाय स्टेप बिना मिस किए। तो चलिए चलते अपनी वर्ल्ड स्क्रीन की तरफ। क्लिप्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, आपको कस्टम बनाना है, खेलना अपने बंदे अपने दोस्त के साथ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज करना है, यहाँ पर अपने डाउनलोड सेक्शन में जाना और यहाँ पे जो आपका कलेक्शन आउटफिट होगा ना वो सारे एडिट कर देना। पहले सबसे पहले आपको अपने अच्छे से कोई ड्रेस पहन लेनी है, जो भी आप ड्रेस पहनते हो अपने जो भी अपना आउटफिट है गेम में, तो उसके बाद वो पहनना है। वो फिल लगाने के बाद अपना जो कलेक्शन पैक है ना सिर्फ डिलीट कर देना, यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर डिलीट कर देना, जिससे आपके जो कपड़े होंगे एकदम नूब की तरह होंगे, डाउनलोड मत करना उसे। उसके बाद अपना कस्टम रिकॉर्ड करना और कस्टम के साथ स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना और साथ ही साथ में आपको ये चीज रिकॉर्ड करके ये जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है फ्री फायर का उसे ऑन करके रखना, उसे ऑन करके रखना जैसे गेम खत्म हो जाए तो वहां पे भी सेव कर लेना, अगर वहां पे ना सेव हो पाए तो यहाँ पे आके सेव कर लेना। फिर उसके बाद अपना जो कस्टम पैक है उसे दोबारा से डाउनलोड कर लेना, जो आपका ये वेपन वाला पार्ट है मतलब ये जो कॉस्ट्यूम वाला पार्ट है दोबारा से डाउनलोड कर लेना आउटफिट वाला। फिर उसके बाद जब जैसे आप इसे प्ले करोगे तो इसमें आपकी जो ड्रेसेस है वो दिखेंगी। फिर उसके बाद आपको इसे प्ले करके देखना है कि आपको जो भी आपको वन टैप, यहाँ पे जैसे मेरा पहला रिकॉर्ड मेरा ये वाला था, यही पे मैंने वन टैप मारा था तो यही वाला मैं सीन में इसमें ऐड करूंगा, तो ये वाला यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। फिर हमारे पास दो क्लिप्स हो जाएंगे, एक में मैंने ड्रेस पहन रखी है अच्छे से, एक में नहीं पहन रखी। अब सीधा अपने कैपकट पे आते हैं। फिर उसके बाद कैपकट चलाने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरा वीपीएन मतलब उसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टर्बो वीपीएन है तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जल्दी से आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वीपीएन कनेक्ट करके ही कैपकट को चलाना, आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं टर्बो वीपीएन यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जो कैपकट है उसे सिंपली से ओपन करना है, कैपकट जैसे ओपन करोगे आपका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट लेना है, यहाँ पर अपनी दो क्लिप्स हैं उसे ऐड कर लेना, पहले वाली क्लिप ये थी HD में, यहाँ पर आपको इसी तरीके पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर अपनी जो दो क्लिप्स हैं, पहले क्लिप्स जो आपने डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी गेम प्ले करते हुए वो आपको ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जहाँ पे मैं पार्ट सी वाला पार्ट रख लेते हैं सिंगल एक क्लिप कुछ हमें यहाँ तक जहाँ पे मैं से वन टैप मारता हूँ कुछ यहाँ तक। फिर उसके बाद अपनी जो दूसरी क्लिप है वो भी आपको ऐड करनी है, यहाँ पे जो दूसरी क्लिप आएगी हमारी वो जो हमने वहाँ रिकॉर्ड करी थी अपने स्क्रीन में, फिर जो दूसरी क्लिप हमने वहाँ पे गेम प्ले रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में ऐड रिकॉर्ड करा था वो आपको ऐड करनी है कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों क्लिप्स हमारी ऐड हो चुकी है, अब यहाँ पर आपको सिंपली से वही जगह पे कट करना है अच्छे से, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जाना है एक्सपेक्ट रेशियो का, और यहाँ पर आपको 1:1 चूज कर लेना है या फिर 4:3 भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर उसके बाद इस तरीके से जूम कर लेना है दूसरी वाली क्लिप पे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी वाली क्लिप है जहाँ पे भी हमने वन टैप मारा कुछ इस जगह पे, यहाँ पे हमें स्प्लिट लेना है, और जो पहले की वाली क्लिप है उसमें भी वहीं पर हमें इसी जगह पे क्लिप, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने वन टैप मारा, यहाँ पे मैंने जंप किया, यहाँ पे भी मेरे को इसी जगह पे इस पे वो लेना है फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर जैसे यहाँ पे वन टैप मारा, अब जो हमारी दूसरी क्लिप है उसको भी यहीं से मैच कराना, जैसे यहाँ पे हम जंप कर रहे हैं तो दूसरी क्लिप पे जहाँ पे भी हम जंप कर रहे हैं कोस इस जगह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने मारा तो यहाँ पर सेम चीज़ वहीं पे जंप कर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरी वाली जो क्लिप्स है इसमें आपको स्लो मोशन ऐड कर लेना है। ये जो मेरे को फ्रेमिंग है ये मेरे को अजीब लग रही है तो इसलिए यहाँ पर मैं इसका एक्सपेक्ट रेशियो चेंज करूँगा, एक्सपेक्ट रेशियो में चेंज करूँगा 4:3:4 का, इस वाली क्लिप में भी मैं इसका एक्सपेक्ट रेशियो चेंज कर लूँगा। फिर इसके बाद जो हमारी दोनों क्लिप है देखो हमने बहुत सेम जगह पर ऐड कर दिया, अब यहाँ पर बीच में आपको एक ट्रांजिशन लगाना है, बीच में टैप करोगे ट्रांजिशन का नाम है शेक इफेक्ट, यहाँ पे कैमरा में आपको जाके शेक मिलेगा, इसको आप टाइमिंग देख लेना 0.2 का रखिए, मैंने 0.3 का रखी है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो बने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट भी ऐड कर लेना है, तो साउंड इफेक्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है, कैसे ऐड करती है, ऑडियो पर जाना है, साउंड पर जाना है, यहाँ पर फ्रॉम डिवाइस यहाँ से आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर ऐड कर लिया, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए टाइम आपको ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर ऐड कर लिया है। और जो हमारी जो सेकंड वाली क्लिप होगी ना उसमें आपको क्या करना, स्लो मोशन ऐड करना, स्लो मोशन ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने अभी ऐड कर लिया, थोड़ा स्पीड पे जाना, नॉर्मल पे जाना 0.1x कर देना, और जो यहाँ पर आपको स्लो मोशन पे जाके बेटर क्वालिटी करके डन कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर
या हमने क्या किया, सेक इफेक्ट ऐड करा, और जो सेकंड क्लिप है इसमें हमने स्लो मोशन ऐड करा 0.1x करके। फिर यहाँ पर जैसे ही आप प्ले करोगे कुछ सुस्ते नहीं है, और थोड़ा सा साउंड इफेक्ट अपन बढ़ा लेते हैं। तो एक बार मैं आपको पुलअप प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने देख पूरा हमारा मतलब यहाँ पे हमने सेक इफेक्ट लगा दिया। सेकंड वाली क्लिप पे हमने क्या किया, स्लो मोशन ऐड करके अच्छे से एडिट कर दिया। 3 सेकंड की मानी क्लिप हो गई, स्लो मोशन ऐड किया 0.1x पे सेकंड क्लिप पे, यहाँ पे सेक इफेक्ट लगाया। अब यहाँ पर आपको पूरा एडजस्ट का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपनी कलर ग्रेडिंग करनी है, मतलब कलर करेक्शन करना है। एडजस्ट पे जाना है, यहाँ पर ब्राइटनेस आपको बढ़ा देनी है 3 के अराउंड, कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ा देना 10 के अराउंड, ब्रिलियंस आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आपको ज़्यादा बढ़ाना है 15 के अराउंड, और ब्रिलियंस आपको जाना बढ़ाना है 5। उसके बाद साथ में आपको 400 कर देना है, और यहाँ पर सैचुरेशन मिलेगा आपको सिर्फ 15 से 20 बढ़ा देना है। उसके बाद इसको पूरी क्लिप में ले जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा हो गया एडजस्ट वाला मामला भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी क्वालिटी भी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली से आपको इसमें इफेक्ट्स ऐड करने हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स ऐड करने हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको इफेक्ट्स पे जाना है, और ये वीडियो इफेक्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने VPN कनेक्ट करके रखा होगा, तो VPN आपको कनेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर आपको पहला जो इफेक्ट ऐड करना है वो है स्ट्रोब का। तो यहाँ पर जल्दी से ढूंढ लेते हैं स्ट्रोब का, वाइट फ्लैश ये रहा स्ट्रोब, ये और आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से। आपको फिर ऐसे होगा, और लास्ट में यहाँ पे 2 बीट्स आई हैं। देखो मैं बीट्स मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ऑडियो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बीट्स पे जाना, ये मैंने पहली बीट ऐड बीट कर दी, सेकंड बीट है इसको भी ऐड बीट कर दिया। तो 2 बीट हमने साउंड में, ये जो साउंड इफेक्ट है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो से मैंने लिया था, वो शॉर्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो शॉर्ट वीडियो से आप ये वाला साउंड डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो ये जो हमने 2 बीट मार्क करी, इसमें शेक इफेक्ट लगाना है। तो शेक इफेक्ट आप अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकते हो, अरे सेक इफेक्ट आप अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मैं जो लगा रहा हूँ वो भी आप लगा सकते हो, वो सिंपल ईजी पड़ेगा आपको। इफेक्ट्स पे जाना है, और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पे जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही वीडियो इफेक्ट्स में जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेशन फ्लैश का। इस पर टैप करोगे, आपको इसकी स्पीड बढ़ा देनी है कुछ 50 अराउंड। वाइब्रेशन फ्लैश में जैसे जाओगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होगा ना, इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा देनी है, 80 अराउंड कर देना स्पीड आपको इसकी। वाइब्रेशन फ्लैश देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला फ्लैश, जैसे कि ये वाला शेक आया, तो बस वही वाला शेक आपको उतना ही रखना है। फिर यहाँ पर आपको इतनी क्लिप रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वाइब्रेट फ्लैश इफेक्ट ऐड करा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में ये शेक आया कुछ इस जगह पे, देखो यहाँ पे शेक आया। अब तो ये चीज़ आपको पकड़ के यहाँ पे इस जगह पे ले आनी है, इस पॉइंट के बीचों बीच में यहाँ पे शेक आया। फिर उसके बाद इसे डुप्लीकेट कर लेना है, फिर उसके बाद ये चीज़ पकड़ के आपको यहाँ आगे ले आनी है, इस जगह पे शेक आ जाए, ताकि थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने पूरा शेक इफेक्ट भी बता दिया, स्लो मोशन करके दिखा दिया। और जो ड्रेसेस चेंज होती है ना, जैसे कि यहाँ पे न्यू वाली ड्रेस है, फिर उसके बाद वाली ड्रेस आ गई, तो ये जो मैंने तरीका बताया सबसे सिंपल तरीका है। इस तरीके से शायद उस बंदे ने नहीं बनाया होगा, उसने कोई और तरीका यूज़ किया होगा, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल तरीका बताया। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक, मतलब कोई और तरीके से आप इस तरीके से वीडियो बना सकते हो, अगर आप चाहते हो कोई और तरीका यूज़ करो, तो वो भी आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने सबसे सिंपल भी बता दिया कि इस तरीके से आप इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस एडिट कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे से कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो तो मैं जो नेक्स्ट की नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वीडियो आने वाली, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक की गेमिंग एडिटिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जिन बंदों ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया, ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।